सेगमेंटेशन। इस लेक्चर में हम सेगमेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने मेमोरी मैनेजमेंट में कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और फिक्स मेमोरी एलोकेशन को देखा। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन जो है वो दो टेक्निक्स या दो मैनेजमेंट स्कीम के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। फर्स्ट वन इज़ ए सेगमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज़ पेजिंग। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम सेगमेंटेशन को देखेंगे। सेगमेंटेशन जो है वो बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है और सेगमेंटेशन और पेजिंग के दरमियान में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सेगमेंटेशन जो है इज़ एन अदर मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो कि यूज़र व्यू को सपोर्ट करती है। यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी जो है दैट इज़ सपोर्टेड बाय द सेगमेंटेशन। एज वी हैव ऑलरेडी सीन द यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी इज़ नॉट सेम एज द एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। Indeed, dealing with the memory in term of its physical property is inconvenient to both the operating system and the program. अब तक जो हमने जितना स्टडी किया है उसमें हमने देखा कि यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी जो है दैट इज़ नॉट सेम टू द एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। और जब हम पेजिंग को स्टडी करेंगे तो पेजिंग में भी हम देखेंगे कि पेजेस जो हैं आपकी जो मेमोरी है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पेजेस और फिक्स पोर्शन ऑफ साइज। बट पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट जो है दैट इज़ मोर क्लोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम रादर दैन द यूज़र। और ये एक प्रोसेस जो है उसको डिवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, रिगार्डलेस दैट के प्रोसेस कैन हैव सम रिलेटिव पार्ट्स ऑफ फंक्शन विच नीडेड टू बी लोडेड इन द सेम पेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ की केयर नहीं करता पेजिंग के अंदर कि एक प्रोसेस के रिलेटिव पार्ट जो हैं वो एक ही पोर्शन में हों। वो बेसिकली उसको इक्वली डिवाइड कर देता है और उसके रिलेटिव पार्ट्स में भी डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट पोर्शन के अंदर जो है वो लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली पेजिंग जो है इट डिवाइड द सेम फंक्शन इनटू डिफरेंट पेजेस और दोस पेजेस मे और मे नॉट बी लोडेड एट द सेम टाइम इनटू द मेमोरी। अब तक जितने भी हमने मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम देखी या स्टडी की हैं अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डीलिंग विद फिजिकल मेमोरी इज़ इनकन्वीनियंट because user view of memory is not same as a actual physical memory. आगे हम देखेंगे कि ये जो problem है इसको हमने segmentation के through कैसे solve किया, segmentation कैसे इस problem का solution जो है वो provide करता है। What if the hardware could provide a memory mechanism that map the programmer views view to the actual physical memory? The system would have more freedom to manage a memory while the programmer would have more natural programming environment. Segmentation provides a mechanism. So is problem ka jo solution tha, it is better to have the segmentation which divide the process into a segment aur har segment jo hai वो सेम टाइम ऑफ फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है या जो है हर फंक्शन कंटेन द सेम टाइप ऑफ फंक्शंस। तो बेसिकली सेगमेंटेशन जो है वो आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि एक्चुअली प्रोग्रामर व्यू ऑफ मेमोरी सेम एज टू मैप एक्चुअल फिजिकल मेमोरी, जो कि पीछे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी गई थ्रू द सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन अ प्रोग्रामर आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट कॉल्ड सेगमेंट्स इन ए प्रोसेस। हर सेगमेंट जो है वो एक लॉजिकल एंटिटी होती है प्रोग्राम के अंदर, जिसमें सेट ऑफ फंक्शन डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये सेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। तो इस टेक्निक के बदौलत प्रोग्रामर जो है वो फ्री होता है, फ्रीडम होती है उसको कि वो मेमोरी को मैनेज कर सके अकॉर्डिंग टू जो उसको व्यू लॉजिकली जो उसका प्रोग्रामर जो लॉजिकल जो है स्टोरेज डिवाइसेस जो है डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट जो यूज़र को व्यू हो रहा है, एक्चुअली मेमोरी भी फिजिकली मेमोरी भी उसी तरह मैनेज हो रही है। सो प्रोग्रामर वुड हैव द नेचुरल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट
जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू अ सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जो है वो आपको ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूज़र व्यू को जो मेमोरी नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू फिजिकल मेमोरी भी उसी तरह मैनेज हो रही होती है। तो बेसिक मेथड जो है, डू प्रोग्रामर थिंक्स ऑफ मेमोरी एज ए लीनियर अरे ऑफ बाइट्स सम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन एंड अदर कंटेनिंग अ डाटा। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, क्या प्रोग्रामर जो है वो अरे जो मेमोरी को वो लीनियर अरे ऑफ बाइट ही कंसिडर करता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है और कुछ जो है डाटा के ऊपर मुश्तमिल होता है। सो वट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बेसिकली मोस्ट प्रोग्रामर वुड से नो, rather they prefer to view memory as a collection of variable size segment with no necessary ordering among the segments। तो ये जो question ऊपर पूछा गया है इसका answer जो है that is no, because programmer point of view से memory जो है that is variable size of segment जिनके अंदर कोई order या sequence necessary नहीं है। जब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज सेगमेंट्स की बात करते हैं तो इट्स मीन के ब्रेकिंग द वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ सिंगल प्रोसेस इनटू अ सेगमेंट्स और पार्ट्स, और ये सेगमेंट और पार्ट्स जो हैं ये नॉन कंटिजियस एरिया ऑफ फिजिकल मेमोरी में रखे जाते हैं, यानी कि फिजिकल मेमोरी के अंदर ये सेगमेंट्स और पार्ट्स जो हैं दैट इज़ नॉन कंटिजियस, कहीं भी ये मेमोरी के अंदर जो है रिजाइड कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ दैट सेगमेंट इज़ नॉट नेसेसरी, तो लाजमी नहीं कि उनके दरमियान में कोई सीक्वेंस होना चाहिए, दे कैन बी अ रेंडमली इन ए फिजिकल मेमोरी। तो ये जो मेमोरी जिसको हमने डिवाइड किया इनटू वेरिएबल साइज ऑफ पार्ट्स, दैट पार्ट ईच पार्ट इज़ नॉन एज सेगमेंट, और जो कि एलोकेट किया जाता है हर प्रोसेस को। When writing a program, a programmer think of it as a main program with a set of method, procedure or functions. So it's mean, जब एक programmer program write करता है तो उस program को वो एक as a main program consider करता है जिसके अंदर methods होते हैं, procedures होती हैं, routines होते हैं, functions होते हैं। तो basically programmer के point of view से that is main program of a single program जो कि मुश्तमिल होता है। It may also include various data structure, object, arrays, tags, variables and so on। तो ये जो प्रोग्राम जो प्रोग्रामर ने डेवलप किया है वो मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स, अरे, स्टैक्स, वेरिएबल और डिफरेंट जो जो हैं डाटा स्ट्रक्चर दैट इज़ अवेलेबल इन ए प्रोग्रामर जो प्रोग्राम डेवलप करता है उसके अंदर मौजूद होती हैं। ईच ऑफ दिस मॉड्यूल्स और डाटा एलिमेंट इज़ रेफर्ड टू बाय नेम, और ये तमाम जो एलिमेंट्स आपको एक प्रोग्राम के अंदर नज़र आते हैं उनको रेफर जो किया जाता है वो थ्रू बाय इट्स नेम जो है उनको रेफर किया जाता है। द प्रोग्रामर टॉक अबाउट द स्टैक, द मैथ लाइब्रेरी एंड द मेन प्रोग्राम विदाउट केयरिंग What address in a memory these element occupy। तो basically programmer जब stack, math और main program के बारे में बात करता है या उनको access करता है तो वो without जो है care के memory के अंदर इन elements ने कहाँ पर इनके जगह occupy की हुई है memory, physical memory के अंदर, और इनके memory addresses क्या है। But that only refer to by its name these element, जो elements वो programming के अंदर यूज़ कर रहा है और एक्सेस कर रहा है, तो ऑल एलिमेंट्स जो है रेफर बाय इट्स नेम। शी इज़ नॉट कंसर्न्ड विद वेदर द स्टैक इज स्टोर्ड बिफोर और आफ्टर द स्क्वेयर रूट फंक्शन, इट्स मीन कि ये जो एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर है मेमोरी के अंदर वो आदर जो है स्क्वेयर रूट फंक्शन से पहले या बाद में जो है वो स्टोर है मेमोरी के अंदर। इट्स मीन कि सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मेमोरी जो है डजंट मैटर, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि सेगमेंट्स ऑफ एलिमेंट जो है सेगमेंट्स ऑफ प्रोग्राम जो है उनका ऑर्डर और सीक्वेंस डजंट मैटर। सो इट्स मीन कि एक प्रोग्रामर के प्रोग्राम के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो
मेमोरी के अंदर किस सीक्वेंस या किस ऑर्डर में स्टोर है उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है. सेगमेंट्स वेरी इन लेंथ एंड लेंथ ऑफ ईच इज बेसिकली डिफाइंड बाय इट्स पर्पस इन द प्रोग्राम. तो ये जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि पहले बताया कि आपकी मेमोरी जो है इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज पार्ट, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं. तो ये सेगमेंट जो है लेंथ में भी वेरी करेंगे, इक्वल साइज या इक्वल लेंथ के जो है एलिमेंट्स नहीं होंगे. इट्स डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ एलिमेंट्स. अगर आपने दो फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं और दो फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म्स कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो दो डिफरेंट फंक्शंस या दो डिफरेंट मॉड्यूल लेंथ में डिफरेंट होंगे. सपोज लेट्स से कि एक फंक्शन स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा फंक्शन जो है वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, तो इट्स मीन कि स्क्वायर रूट फंक्शन की कोडिंग या लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी, और जो सर्कल का एरिया जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी कोडिंग की लेंथ डिफरेंट होगी. लाइन ऑफ कोर्स या जो कोडिंग हमने की हुई है दैट विल बी अ डिफरेंट इन वेरी इन लेंथ. सो ये इक्वल साइज के नहीं होंगे. बेसिकली सेगमेंट्स जो राइट किए हैं वो डिफरेंट टास्क और डिफरेंट पर्पस के लिए राइट किए हैं, और दे कैन वेरी इन देयर साइज एंड लेंथ. एलिमेंट विद इन अ सेगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर ऑफसेट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सेगमेंट. तो बेसिकली हर एलिमेंट जो कि एक सेगमेंट के अंदर मौजूद होगा उसको आइडेंटिफाई जो है उसके ऑफसेट एड्रेस से, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस से, सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस से हम आइडेंटिफाई करेंगे. और ये कैसे होगा इसको हम नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे. उस एग्जांपल में देखेंगे कि हम एक एलिमेंट को, एक बाइट को या वर्ड को एक सेगमेंट के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं उसको हम, या रेफर करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट एड्रेस और बिगनिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट, बेस एड्रेस, बेसिकली सेगमेंट के बेस एड्रेस से उस पर्टिकुलर ऑफसेट एड्रेस को किस तरह एक्सेस किया जाता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू. तो सेगमेंटेशन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट दिस प्रोग्रामर व्यू ऑफ मेमोरी. अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स. तो बेसिकली सेगमेंट जो है, सेगमेंटेशन जो है, ये मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि सपोर्ट करती है प्रोग्रामर के व्यू को. सेगमेंटेशन इज मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट द यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी. यानी कि सेगमेंटेशन जो है वो सपोर्ट करती है यूज़र व्यू को. और लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स होता है. लॉजिकल एड्रेस स्पेस मीन कि आपके जो वर्चुअल एड्रेसेस हैं, जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जो एड्रेस स्पेसेस हैं, दैट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस, और उनके उनको सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. ईच सेगमेंट हैज़ नेम एंड लेंथ. द एड्रेस स्पेसिफाई बोथ द सेगमेंट नेम एंड ऑफसेट विद इन द सेगमेंट. तो हर सेगमेंट का नाम होगा और उसकी लेंथ होगी, और एड्रेस जो है वो बहुत सेगमेंट के नाम और ऑफसेट सेगमेंट जो होगा, ऑफसेट जो होगा वो उस सेगमेंट्स के अंदर, उस विद इन सेगमेंट्स होगा, स्पेसिफाई होगा. इसको हम देखेंगे जब हम एड्रेस ट्रांसलेशन को देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे किस तरह हम सेगमेंट नंबर को या सेगमेंट नेम, सेगमेंट नंबर को यूज़ करते हुए एक सेगमेंट के अंदर किसी ऑफसेट एड्रेस को किस तरह एक्सेस किया जाता है. बोथ, दोनों चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें सेगमेंट नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और ऑफसेट एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगी. दोनों को कंबाइन करके हम किसी भी पर्टिकुलर बाइट्स या एड्रेस को जो है वो एक्सेस करेंगे. द प्रोग्रामर देयरफॉर स्पेसिफाई ईच एड्रेस बाय टू क्वांटिटीज, अ सेगमेंट नेम एंड एन ऑफसेट. जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि दोनों किसी भी पर्टिकुलर बाइट या एड्रेस को किसी सेगमेंट के अंदर एक्सेस करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सेगमेंट नंबर, यानी कि सेगमेंट नेम जिसे हम कह रहे हैं, सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट एड्रेस. दोनों चीज़ों की मदद से हम जो है उस स्पेसिफिक एड्रेस को एक्सेस करेंगे. फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सेगमेंट्स आर नंबर्ड एंड आर रेफर्ड टू बाई अ सेगमेंट नंबर रैदर देन बाई सेगमेंट नेम. Thus, a logical address consists of two tuples. It's mean के implementation point of view से जब हम इसको implement करते हैं system point of view से, segment number, हम हर सेगमेंट को नंबर असाइन करेंगे, और उस सेगमेंट नंबर की मदद से, बजाय इसके कि हम सेगमेंट नेम यूज़ करें, हम सेगमेंट नंबर असाइन करेंगे हर सेगमेंट को, और फिर हम उसको एक्सेस करेंगे. तो इसका मतलब है कि लॉजिकल एड्रेस दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, सेगमेंट नंबर
एंड ऑफसेट। सो दीज टू जो है क्वांटिटी या टू थिंग्स आर नीडेड व्हेन वी वांट टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर बाइट और एड्रेस विद इन अ सेगमेंट, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली व्हेन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट द सेगमेंट्स रिफ्लेक्टिंग द इनपुट प्रोग्राम। तो नॉर्मली जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है वो सेगमेंट्स जो है उनके क्रिएट कर देता है और बना देता है। सी कंपाइलर माइट क्रिएट सेपरेट सेगमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। अगर हम एक सी लैंग्वेज की एग्जाम्पल को लें तो सी का जो कंपाइलर है जब वो किसी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो क्रिएट करेगा। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं सेगमेंटेशन जो है अ प्रोग्रामर आइडेंटिफाइज कंपोनेंट और जिसको हम सेगमेंट्स कह रहे हैं, यानी कि हर सेगमेंट इज़ ए लॉजिकल एंटिटी इन ए प्रोग्राम। उसमें वो लॉजिकल एंटिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती हैं, कोड हो सकता है, ग्लोबल वेरिएबल्स, द हीप फ्रॉम विच मेमोरी इज एलोकेटेड, स्टैक यूज बाई ईच थ्रेड एंड द स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शंस। दीज आर द सेगमेंट्स जो कि एक लॉजिकल एंटिटी जो प्रोग्राम जो है वो इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इट्स मीन कि सेगमेंट इज लॉजिकल एंटिटी इन ए प्रोग्राम जिनके अंदर दीज आर द डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं कि सेगमेंट्स और एंटिटीज जो हैं वो क्रिएट होती हैं या सेपरेट क्रिएट होती हैं जो कि सी कंपाइलर क्रिएट करता है। लाइब्रेरीज दैट आर लिंक्ड इन ड्यूरिंग अ कंपाइल टाइम माइट बी असाइंड सेपरेट सेगमेंट्स, द लोडर वुड टेक ऑल दीज सेगमेंट असाइन देम द सेगमेंट नंबर। और जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और लिंक्ड लाइब्रेरीज जो कि आपने प्री डिफाइंड या प्री कंपाइल फॉर्मेट में पढ़ी होती हैं उनको कंपाइल के दौरान बेसिकली वो उनको असाइन करता है डिफरेंट सेगमेंट्स नंबर असाइन करता है। इट्स मीन कि उनको कंपाइल लिंकिंग के दौरान भी जो लाइब्रेरीज लिंक की जाती हैं उनको सेपरेट सेगमेंट्स नंबर जो है असाइन किया जाता है और वो तमाम के लोडर जो है इन तमाम सेगमेंट्स को जो है उनको लेता है और उनको सेगमेंट नंबर्स जो है वो असाइन करता है। लोडर वुड टेक ऑल दीज सेगमेंट्स एंड असाइन देम द सेगमेंट नंबर्स, यानी कि लिंकिंग लाइब्रेरीज को भी लोडर ने तमाम सेगमेंट्स को जो है सेगमेंट नंबर्स जो हैं वो असाइन कर दिए। सो दीज आर द सेगमेंटेशन जिसको हमने देखा और हम फर्दर इसकी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो बेसिकली ये जस्ट सेगमेंटेशन की इंट्रोडक्शन थी कि सेगमेंटेशन जो है वो क्यों नेसेसरी है और सेगमेंटेशन जो है वो एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, स्कीम है, यानी कि जिसमें यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी को सपोर्ट किया जाता है। सेगमेंटेशन अलाउ करता है कि आप वर्चुअल और फिजिकल एड्रेस स्पेसेस ऑफ एक सिंगल प्रोसेस को उनको आप सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर दें और जो कि मेमोरी के अंदर नॉन कंटिजियस फिजिकल मेमोरी के अंदर नॉन कंटिजियस मेमोरी एरिया जो है उनको एलोकेट किया जाता है। सो सेगमेंटेशन इज़ हमने जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमने इस मॉड्यूल को स्टार्ट किया था मेन मेमोरी में हमने देखा था कि दो तरह की मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ होती है। एक कंटिजियस मेमोरी, कंटिजियस मेमोरी को हमने थ्रू आउट कम्प्लीटली स्टडी करके कंप्लीट किया। फिर हम अब नॉन कंटिजियस मेमोरी के अंदर जो है दो फर्दर टेक्निक या स्कीम यूज़ होती हैं, एक पेजिंग और सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन को आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेगमेंटेशन की जो है प्रैक्टिकल एक एग्जांपल जो है वो एक एक जो है एक एग्जांपल को देखेंगे और देखेंगे कि एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह सेगमेंटेशन के अंदर होती है, मैपिंग किस तरह होती है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस के अंदर।